दोस्तों कभी कभी पोकेमोन के प्रोफेसर के ऊपर भी नजर डाल लेना चाहिए। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट पे, और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के टॉप 6 बेस्ट पोकेमोन प्रोफेसर के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहें। दोस्तों पोकेमोन में सभी प्रोफेसर अपने अपने रीजन के पोकेमोन एक्सपर्ट होते हैं। पोकेमोन के प्रोफेसर रिसर्चर्स भी होते हैं, और लगभग सभी ट्रेनर्स को उनका पहला पोकेमोन प्रोफेसर ही देते हैं। अगर गेम के हिसाब से बात करें तो प्रोफेसर ही फर्स्ट कैरेक्टर होते हैं जो कि गेम में हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर सभी प्रोफेसर के नाम पे नोटिस करें तो इनका नाम प्लांट या तो ट्री के ऊपर बेस करके रखा गया है, जैसे कि प्रोफेसर ओक, बिर्च, रॉन और कुकी। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 प्रोफेसर एलम। दोस्तों प्रोफेसर एलम जूटो रीजन के पोकेमोन प्रोफेसर हैं जो कि एक मिडिल एज पर्सन है। ये प्रोफेसर न्यू वर्क टाउन में अपने पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। प्रोफेसर एलम स्टार्टर पोकेमोन के हिसाब से सिनाडाक्वेल या तो टोटोडाइल को दे सकते हैं। ये प्रोफेसर ये भी डिस्कवर किए थे कि पोकेमोन अंडा भी दे सकते हैं। पोकेमोन इवोल्यूशन के रिसर्चर्स में ये प्रोफेसर को सबसे बेस्ट माना जाता है। लास्टली ये जेनरेशन 2 के गेम में एक फीचर प्रोफेसर हैं। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर है। अभी दोस्तों नंबर 5 पे आते हैं प्रोफेसर बिर्च। दोस्तों प्रोफेसर बिर्च वन रीजन के पोकेमोन प्रोफेसर है। ये प्रोफेसर ब्रेंडन के पिता है। प्रोफेसर बिर्च लिटिल रूट टाउन में रहते हैं। ये ज्यादा करके वन पोकेमोन के नेचुरल हैबिटेट या तो प्रकृति के बारे में स्टडी करते हैं। ये प्रोफेसर का नाम एक पेड़ के ऊपर बेस करके रखा गया है। प्रोफेसर बिर्च स्टार्टर पोकेमोन के हिसाब से ट्री को या तो टॉर्चिक या तो मुर्गी पोकेमोन को दे सकते हैं। लास्टली ये प्रोफेसर ज्यादा करके आउटडोर यानी बाहरी रिसर्च करते हैं। अभी दोस्तों नंबर 4 पे आती है प्रोफेसर जूनिपर। दोस्तों प्रोफेसर जूनिपर जिनोवा रीजन के नोवेमा टाउन में रहने वाले एक पोकेमोन प्रोफेसर हैं। ये प्रोफेसर फर्स्ट मेन सीरीज फीमेल पोकेमोन प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर जूनिपर को ऑरिजिन ऑफ पोकेमोन के रिसर्चर्स में बेस्ट माना जाता है। इससे पहले जितने भी प्रोफेसर हैं वो थोड़े पुराने लोग जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बाद प्रोफेसर जूनिपर को लाया गया था जो कि एक बहुत ही अच्छा चेंज था, और ऐसा चेंज होते रहना चाहिए। लास्टली ये एक बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं। अभी दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं प्रोफेसर रॉन। दोस्तों प्रोफेसर रॉन सिनो रीजन के संगम टाउन में रहते हैं जो कि एक पोकेमोन प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर रॉन एक बहुत ही नॉलेज वाले प्रोफेसर हैं। लगभग ये प्रोफेसर सभी चीज के बारे में जानते हैं और वर्ल्ड के लगभग मैक्सिमम जगह में ट्रैवल कर चुके हैं। ज्यादा करके प्रोफेसर रॉन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। सिनो रीजन में इनको लीडिंग प्रोफेसर यानी प्रोफेसर के हिसाब से जाना जाता है। अभी दोस्तों नंबर 2 पे आते हैं प्रोफेसर ओक। दोस्तों प्रोफेसर ओक एक पोकेमोन प्रोफेसर है जो कि पोकेमोन एनिमी के बहुत ही बड़े सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं। ये प्रोफेसर कंटो रीजन के पैलेट टाउन में रहते हैं और रिसर्च लैब में अपना काम करते हैं। इनका इन्फ्लुएंस लगभग एनिमी में होते ही रहता है, और ये ज्यादा करके एस केचम को हेल्प करने या तो उसको एडवाइस देने आता है कि कैसे एस केचम उसके जर्नी में एक पोकेमोन मास्टर बन सके। जनरली देखा जाए तो प्रोफेसर ओ को रिसर्च के मामले में बेस्ट माना जाता है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है प्रोफेसर साइकोमोरी। दोस्तों प्रोफेसर साइकोमोरी कलर्स रीजन के लुमियो सिटी में रहते हैं जो कि एक पोकेमोन प्रोफेसर और रिसर्चर्स हैं। ये एक हेल्पफुल मैन है, जहाँ जहाँ मदद का जरूरत पड़ता है ये जरूर वहाँ मदद करते हैं। प्रोफेसर साइकोमोरी थोड़े क्रिटिकल सिचुएशन में भी शांत रहते हैं और काम पूरा होने का वेट करते हैं। क्लेमेंट के हिसाब से क्लेमेंट की तरह प्रोफेसर साइकोमोरी भी नए नए इन्वेंशन और गैजेट के बहुत ही बड़े फैन हैं। लास्टली सिनो रीजन में प्रोफेसर साइकोमोरी जब यंग थे तब वो प्रोफेसर रॉन से बहुत कुछ सीखे थे। तो दोस्तों यही था पोकेमोन के टॉप 6 बेस्ट पोकेमोन प्रोफेसर के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा प्रोफेसर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कॉन्टेंट पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।